डाइविटिव होता क्या है <coughs> समझ लीजिए एक बहुत अच्छी तरीके से डिराइवेटिव होता क्या है नाम कह रहा है यार डिराइवेटिव डिराइव डिराइवेटिव डिराइविंग इल्यू डिराइविंग इट्स वैल्यू डिराइविंग डिराइविंग इट्स वैल्यू ठीक है डिराइविंग इट्स वैल्यू डिराइवेटिव मतलब डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम फ्रॉम एंड इंग एसेड्स अंडर लाइंग एसेट्स क्या बताइए डिराइविंग इज वैल्यू फ्रॉम underlying, डिराइविंग इज वैल्यू फ्रॉम underlying assets समझ में आ रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब एक एक करके समझेंगे डिराइविंग इज वैल्यू फ्रॉम underlying assets ठीक है अब ये अंडरलाइंग एसेट्स का मतलब क्या होता है इसका मतलब ये है कि कोई तो एसेट है और इस एसेट के वजह से इस डिराइवेटिव का इस डिराइवेटिव का जो वैल्यू है इस डिराइवेटिव का जो वैल्यू है ठीक है वो डिसाइड होता है तो डिराइवेटिव मतलब डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट्स अंडरलाइंग एसेट्स समझ में आ चुका है अब मैं समझाऊंगा और डीपली समझाऊंगा पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या बोले देखो ना बोले कि भाई मेरे सुनना ये जो डिराइवेटिव है इज ए फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या बताइए इट्स अ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट अभी जो अंडरलाइंग एसेट है ना वो कुछ भी हो सकता है वो हो सकता है स्टॉक बॉन्ड्स करेंसी कॉमोडिटीज मेटल्स इवन इन टैंजिबल एसेट्स ठीक है लाइक स्टॉक इंडिसेस समझ में आ रहा है इस प्रकार से आपके चैप्टर में आपके जो ये ब्यूटीफुल सा चैप्टर है इस चैप्टर में हम लोग डिसाइड मतलब डिस्कस करेंगे कि करेंसी बताइए करेंसी डराइवेटिव्स एंड कॉमोडिटीज डिराइवेटिव क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आपके इस ब्यूटीफुल से चैप्टर में ठीक है अब मैं और ब्यूटीफुली समझा देता हूँ आप लोग टेंशन मत लीजिए ये जो डिराइवेटिव है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है अब पेपर है मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये फिजिकल फॉर्म में ही हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट है समझ में आ रहा है डिराइवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है क्या है बताइए कॉन्ट्रैक्ट है जिसका वैल्यू जो है जिसका वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट है इज डिपेंडेंट ऑन एन अंडरलाइंग एसिड ऑन एन underlying asset. For example, Reliance, Reliance का जो है shares, Reliance का जो shares है Reliance का जो shares है वो stock exchange में trade होता होगा वो stock exchange में trade होता होगा right? तो आप हो राम कौन हो आप हो राम आपने मुझे कहा सैम मैं हूं सैम आपने राम ने सैम को कहा कि सैम जी सुनना मैं तेरे से परचेज करूँगा क्या बताइए परचेज करूँगा मैं तेरे से परचेज करूँगा मैं तेरे से क्या करूंगा बताइए ना मैं तेरे से परचेज करूंगा क्या परचेज करूँगा बताइए मैं ouais परचेज करूँगा तो तुमसे शेयर्स मैं तुमसे परचेज करूँगा शेयर्स समझ में आ रहा है क्या परचेस करूंगा शेयर्स करूंगा लेकिन आज नहीं करूंगा मैं आज नहीं करने वाला मैं करूंगा फॉर एग्ज़ाम्पल आज तारीख है एक तारीख फर्स्ट फर्स्ट जनवरी है फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है मैं तेरे से करूँगा फिफ्टींथ जनवरी को फिफ्टींथ जनवरी को क्या करूँगा बताइए ना परचेज करूँगा क्या करूँगा परचेस करूँगा क्या परचेज करूँगा शेयर्स ठीक है लेकिन ये जो मैं शेयर्स परचेज करूँगा तुम तुम तुमसे वो मैं पहले से बता देता हूँ तुमको मैं इस प्राइस में तुम्हारे से शेयर्स जो है वो परचेज़ करूँगा मैं इस प्राइस में तुम्हारा शेयर जो है वो परचेज़ करूँगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का जो प्रेजेंट मार्केट में प्राइस है प्रेजेंट मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो फॉर एग्जाम्पल है वन एट्टी रुपीज़ ठीक है पर शेयर ठीक है अब राम ने कहा शाम को राम ने कहा सैम को कि भाई सुनना मैं परचेज करूँगा तुमसे शेयर्स इस रेट पे इस रेट परचेस करूंगा कम से कम क्वांटिटी है Sauchers. Sauchers मैं तुमसे खरीदूंगा एट अ रेट ऑफ रुपीजन और प्रेजेंट मार्केट वैल्यू जो है वो है प्रेजेंट मार्केट वैल्यू वह परचेज करूंगा वन नाइन नाइन में अब सैम ने भी कह दिया कि ठीक है अब ये कहेंगे कैसे ठीक है जो कह दिया वो कह दिया सिर्फ नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना हम लोग क्या करेंगे बताइए कॉन्ट्रैक्ट यह डिराइवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ये है बताइए ना डिराइवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अब समझना एक चीज ये डिराइवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, है क्यों इस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू क्या है बताइए फटाफट इस contract. तो इस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू जो है वो क्या है बताइए ना 199 इसका वैल्यू क्या है बताइए 199 अभी जो 199 का वैल्यू है इस कॉन्ट्रैक्ट का वो कहां से आया है वो आया है एक अंडरलाइंग एसेट मतलब जो नीचे इसका एसेट है उस एसेट से आया है ये एसेट क्या है बताइए ना रिलायंस का शेयर्स क्या इस कॉन्ट्रैक्ट का खुद का कुछ वैल्यू है नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट का खुद का अपना कुछ वैल्यू नहीं है इसका वैल्यू डिराइव होता है फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट जो एसेट कहा जाता है रिलायंस का शेयर समझ में आ रहा है ना तो रिलायंस का जो शेयर है रिलायंस का जो शेयर है उसका जो वैल्यू है वही इक्वल्स टू दी डिराइवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है समझ में आना ना ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कर रहे हैं समझ में आ चुका है तो इसका जो वैल्यू है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम दी रिलायंस का शेयर्स तो रिलायंस का शेयर्स का जो वैल्यू होगा वही ना वैल्यू इस कॉन्ट्रैक्ट का होगा समझ में आ रहा है अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा करके हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्यों ये डिराइवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हम लोग करेंगे क्यों करना ही क्यों है ये डिराइवेटिव कॉन्ट्रैक्ट तो आपको समझना होगा यहां पर जो है ट्रेड हो रहा है किस प्रकार से देखिए समझिए अगर अगर रिलायंस का शेयर जो है वो पंद्रह तारीख को फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल टू हो जाए रुपीज़ टू हो जाए अगर रिलायंस का शेयर पंद्रह तारीख को तो प्रॉफिट किसको होने वाला है बताइए ना प्रॉफ़िट होगा राम को और लॉस किसको होगा सैम को समझ में आ रहा है तो दोनों जो पार्टी जो इन्वॉल्व हैं यहाँ पर दोनों सोच समझ करके दोनों सोच समझ करके इसमें इन्वॉल्व होंगे ये जो बायर है और ये जो सेलर है दोनों जो पार्टी है वो दोनों सोच समझ करके ही जो है इसमें इन्वॉल्व रहेंगे समझ में आ रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है समझ चुके सर बहुत ईजी वाला चीज है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी बताइए ना कॉन्ट्रैक्ट जिसका वैल्यू डिराइव किया गया है बताइए ना फ्रॉम 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 अंडरलाइंग एसेट उसको कहा जाता है डिराइवेटिव कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ चुका है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बहुत ईजी है डिरावेटिव का मतलब समझ चुके हम लोग डिराविटिव का मतलब यही है कि एन इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट मतलब वो डॉक्यूमेंट दैट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट फ्रॉम दैट डिराइव वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट समझ में आ चुका है अब वो क्या हो सकता है स्टॉक्स हो सकता है देखो स्टॉक्स हो सकता है डिवेंचर्स हो सकता है बॉन्ड्स हो सकता है करेंसी हो सकता है कॉमोडिटी हो सकता है क्या क्या हो सकता है बताइए ना करेंसी हो सकता है कॉमोडिटीज हो सकता है मेटल हो सकता है इवन इंटेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स लाइक स्टॉक इंडिसेस ठीक है तो ये सारे हो सकते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में जितना है वो हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने सिलेबस में सिर्फ दो जो है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देकर रखे हैं हम लोग उसके बारे में समझ लेंगे करेंसी एंड कॉमोडिटीज ठीक है तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा वो होगा ये जो अंडरलाइंग एसेट है करेंसी करेंसी एक अंडरलाइंग एसेट है वो क्या होता है कॉमोडिटी भी एक अंडरलाइंग एसेट है वो क्या होता है जैसे ये दो हम लोग खत्म कर ले उसके बाद हम लोग समझेंगे कि डिराइविटिव के कितने टाइप्स होते हैं डिराइविटिव के लगभग बहुत सारे टाइप्स होते हैं पॉपुलर टाइप्स है फ्यूचर ऑप्शन स्वैप कैप्स फ्लोर कॉलर्स एक्सेट्रा ठीक है अब इनमें से अपने सिलेबस में है फ्यूचर एंड ऑप्शन तो ये दो जो है ये अपना इसके बाद जो है टाइप्स ऑफ डिराइविटिव देखेंगे जो कि होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन का डिराइविटिव का मतलब पूरा क्लियर हो चुका है कोई दिक्कत वाली बात नहीं बहुत ईजी है सर क्या बात कर रहे हो आप चलिए आगे बढ़ते हैं फिर डिराइवेटिव का फटाफट हम लोग यहां से जो है वो मार्किंग करवा दूंगा मैं आप लोग फटाफट कर लो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिराइवेटिव का यही है अगर आप ये याद कर लोगे तब भी बहुत है ठीक है क्या याद करना है अ डिराइवेट इज अ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट द डिविट वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेड दिस अंडरलाइंग एसेड कैन बी स्टॉक्स बॉन्ड्स करेंसी कमोडिटीज मेटल एंड इवन इंटेंजिबल एसेट्स लाइक स्टॉक इंडीसेज ठीक है उसके बाद अपने जो सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन है उसमें डिरावेटिव के बारे में बहुत कुछ बातें बताया गया है वो भी हम लोग देख लेंगे बोले कि डिराइवेटिव इंक्लूड्स डिराइवेटिव इंक्लूड्स अ सिक्योरिटी फ्रॉम अ सिक्योरिटी बताओ ना अ सिक्योरिटी डिराइव फ्रॉम अ अ सिक्योरिटी डिराइव फ्रॉम अ डेड इंस्ट्रूमेंट वो डेड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर क्या क्या बताया बताइए ना स्टॉक्स बॉन्ड समझ में आ चुका है स्टॉक्स बॉन्ड ठीक है तो डे इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है डेट इंस्ट्रूमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट शेयर लोन देखो शेयर क्या बताइए शेयर लोन ठीक है वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड रिस्क इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस और एनी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी ठीक है नेक्स्ट बताए कि अ कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव इज वैल्यू फ्रॉम दी प्राइसेस और इंडीसेस ऑफ प्राइसेस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज ये तो पता ही है फिर कॉमोडिटिव डिराइवेटिव के बारे में बताएं फिर बताए सच अदर इंस्ट्रूमेंट एस में बी डिक्लेयर बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी डिराइवेटिव वो सब डिराइवेटिव हो जाएंगे तो हमारे इसमें हम लोग दो चीज सीखेंगे आज वो है करेंसी डिराइवेटिव एंड दूसरा बताइए क्या है कॉमोडिटी डिराइवेटिव बहुत छोटा सा टॉपिक है फटाफट देख लेंगे हम लोग क्या बताएं सिर्फ वो समझना है ठीक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए के अगर मैं बताऊं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सिर्फ ये याद रखना आप सिर्फ ये वाला चीज ठीक है ये वाला चीज और इसका सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेना डेफिनेशन डेफिनेशन सेम ही है वो एक ही चीज है जो हम लोग ने ऊपर में पढ़ाया ना वही यहां पर चिपकने वाला है देखो अच्छे से करेंसी डिराइवेटिव आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर इन्वॉल्विंग दी एक्सचेंज ऑफ टू करेंसीज एक्सचेंज बताओ ना क्या दो करेंसीज दो करेंसी, करेंसी एक्सचेंज होता है क्या एक्सचेंज होता है दो करेंसी एक्सचेंज होता है एट अ पर्टिकुलर फिक्स्ड रेट जो पहले से उन लोगों ने स्टिपुलेट कर रखा है कि भैया उस रेट में ही हम लोग एक्सचेंज करेंगे उस तारीख पे ठीक है उस तारीख में देखो ना फ्यूचर डेट में ना हम लोग एक स्टिपुलेटेड रेट स्टिपुलेटेड रेट मतलब पहले से हम लोग ने डिसाइड करके रखा है उसी डेट में हम लोग एक्सचेंज करेंगे तो ये एक प्रकार का जुआ हो जाता है क्या बताइए ना जुआ इसमें जो भी इन्वॉल्व होते हैं ना मतलब ये एक प्रकार का गैम्बलिंग हो जाता है क्योंकि जो भी इंसान इन्वॉल्व है यहां पर वो ये सोच रहा होगा कि फ्यूचर डेट में मुझको बेनिफिट जरूर मिलेगा क्योंकि इसका प्राइस जो है वो डेफिनेटली जो है वो नीचे जाएगा ना कि ऊपर जाएगा जो बायर है जो बायर है वो सोच रहा होगा कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा ठीक है जो मैंने प्राइस डिसाइड किया है उससे ऊपर ही जाएगा फ्यूचर में तो इस प्राइस में तो मैं खरीद लूंगा और फिर मैं बेच दूंगा ऊपरी वाले प्राइस में ठीक और जो अमाउंट मिलेगा मेरे को जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा ये बायर सोच रहा है और सेलर सोच रहा है कि पक्का पक्का जो है मेरे को लग रहा है इसका प्राइस नीचे जाएगा तो मैं अब इस प्राइस में बेच देता हूं इस प्राइस ये प्राइस गिरने से पहले और ज्यादा गिरने से पहले मैं इसको बेच देता हूं समझ में आ रहा है ना तो यही है करेंसी डिराइवेटिव ये करेंसी डिराइवेटिव में क्या होता है वो एक्सचेंज होता है ऑफ टू करेंसीज एट अ फ्यूचर डेट एट अ पर्टिकुलर रेट ठीक है स्टिपुलेटेड रेट समझ में आ चुका है करेंसी डिराइवेटिव ट्रेडिंग इज सिमिलर टू स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग ये हम लोग फ्यूचर में मतलब आगे जाके देखेंगे कि फ्यूचर का क्या होता है फ्यूचर ऑप्शन क्या है फ्यूचर स्टॉक्स क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है हवा हवा अंडरलाइंग एसेट्स आर करेंसी पेयर सच एस यूएस आई एन आर और यूरो आई एन आर इंस्टेड ऑफ स्टॉक्स स्टॉक्स यहाँ पे स्टॉक्स नहीं रहता है यहाँ पे क्या रहता है बताइए करेंसी रहते हैं क्या रहते हैं करेंसी ठीक है करेंसी ऑप्शन एंड करेंसी फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज डन इन दी फॉरन एक्सचेंज मार्केट ठीक है इन द फॉरन एक्सचेंज मार्केट आर दी वैल्यू ऑफ अ फॉरिन करेंसी रिलेटिव टू डोमेस्टिक करेंसी द मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ करेंसी ट्रेडिंग इन इंडिया आर बैंक्स कॉरपोरेशन एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स समझ में आ चुका है जिंदगी में कभी भी डाउट मत रखना क्योंकि एक बार आपने डिराइवेटिव का अगर मीनिंग समझ लिया फिर इसके सामने जो भी लगाते जाओ वो सेम रहेगा कंसेप्ट सेम ही रहेगा कंसेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे सिर्फ अंडरलाइंग एसेट चेंज हो जाएगा जैसे यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट्स पहले मैंने जो एग्जांपल बताया उसमें अंडरलाइंग एसेट्स था रिलायंस का शेयर इसमें अंडरलाइंग एसेट होगा करेंसी ठीक है उसके बाद जो है अंडरलाइंग एसेट होगा कॉमोडिटी अब कॉमोडिटी में बहुत कुछ आता है ठीक है कॉम्यूडिटी में क्या क्या आता है सर कॉम्योडिटी में आता है ऑयल गैस मेटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिनरल्स ठीक है ये सारे तो एक बार हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे फटाफट बोले कॉमोडिटी डिराइवेटिव आर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हुज वैल्यू इज बेस्ड ऑन अंडरलाइंग कॉम्यूडिटीज ऑब्वियसली सच एज अब ये जो कॉम्युडिटी डिराइवेटिव है ये क्या है बताइए ये कॉम्युडिटी डिराइव एक पेपर है भाई ये पेपर है एक और इस पेपर का जो प्राइस है मतलब एक्चुअल वैल्यू है वो डिपेंड करता है अंडरलाइंग कॉम्युनिटीज के ऊपर अब वो कॉम्योडिटीज़ क्या हो सकता है ऑयल गैस मेटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मिनरल्स ठीक है अदर सच सचेस इमिशियन ट्रेडिंग क्रेडिट फ्री ट्रेड्स ठीक है uh, उसके बाद इवन द वेदर कैन ऑल्सो बी एन अंडरलाइंग कॉम्युनिटी डिराइविटिव समझ में आ रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं वेदर कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है ठीक है बहुत कुछ है अब डाइविटिव एक पेपर है और कॉमोडिटीज एंड करेंसी उसका अंडरलाइंग एसेट है समझ में आ चुका है बेनिफिट्स क्या है करेंसी ट्रेडिंग का बताइए करेंसी डिराइविटिव का बेनिफिट क्या है डायवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ईजी इन्वेस्टमेंट इन करेंसीज हैजिंग ऑपरचुनिटी टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टर्स ट्रेडिंग ऑपरचुनिटी ड्यू टू वोलेटिलिटी इन करेंसी एक्सचेंज ट्रेडेड एंड हैंड सिस्टमैटिकली रेगुलेटेड उसके उसके बाद प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट रेट्स अब कॉमेटिटिव डराइटिस के बारे में भी हम लोग ने समझ चुके कि कॉम्बिनेटिव डराबिटिस क्या होता है ये डेफिनेशन आपको लिख लेना एग्जामिनेशन में